क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। यानी कि ऑगस्ट कॉम्ट वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट जो है पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि ऑगस्ट कॉम्ट से पहले भी सोशियोलॉजी पढ़ा जाता था, मतलब इन अ सेंस कि समाजशास्त्र की जो घटनाएं हैं, मतलब सोशल फिनोमिना और सोशल वर्ल्ड के बारे में फॉर्मली और इनफॉर्मली स्टडी ऑगस्ट कॉम्ट से पहले भी होती थी। लेकिन ऑगस्ट कॉम्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज सोशल फिनोमिना इन अ साइंटिफिक मैनर। ऑगस्ट कॉम्ट के अगर अपन लाइफ की बात करें, एक पीडीएफ भी मैं साथ साथ आपके शेयर कर देता हूँ। ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो फ्रांसीसी जो एक विचारक माने जाते हैं, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, और ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक नए सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया। उससे पहले बहुत सारी ऐसी कुछ घटनाएं उन्होंने घटित होते हुए देखी, अपने आसपास में कई सारा ऐसा सिनारियो उन्होंने देखा जिससे कि वो कहीं ना कहीं पे मोटिवेट हुए कि एक एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बेसिकली जो 19th सेंचुरी का जो शुरुआती टाइम पीरियड था, उस वक्त जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो सोशल लाइफ है इंडिविजुअल की, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। पहले क्या सिस्टम हुआ करता था कि लोग खेती करते थे, अपने अपने परिवारों के साथ में रहते थे और एक जो है सेटल लाइफ चला करती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद में क्या हुआ कि नए नए फैक्ट्रीज और जो कारखाने वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इस्टेब्लिश होने लगी। तो कई सारे लोगों को अपना जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वर्क है वो छोड़ करके शहरों की तरफ जाना पड़ा, काम करना पड़ा। तो उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर चेंज आने लगा। सोशियोलॉजिकल जो सिस्टम है, सोशल रिलेशंस हैं, उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिला। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने ये माना कि जिस तरह से पूरी दुनिया की जितने भी इवेंट्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए वेरियस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल वर्ल्ड की स्टडी करने के लिए बायोलॉजी है, सभी तरह के केमिकल्स की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री है, फिजिकल वर्ल्ड के लिए फिजिक्स है ना, मैथमेटिक्स है, या इवन इन अ वे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिकल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जितना भी इकोनॉमिक फिनोमिनांस हैं उनकी स्टडी के लिए इकोनॉमिक्स है, पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करने के लिए हिस्ट्री है। तो उन्होंने कहा कि जब इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर सभी घटनाओं की स्टडी करने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट है, तो ये जो सोशल वर्ल्ड है वो भी तो कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, कोई बाहर की तो चीज़ है नहीं। तो इस सोशल वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि साइंटिफिकली सोशल इश्यूज की स्टडी कर सके। और सोशल इश्यूज की स्टडी करना रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट इसलिए भी था क्योंकि वो जो टाइम था, जैसा मैंने कहा 19th सेंचुरी का जो शुरुआती पीरियड था, वो एक एक टाइम ऑफ रेवोल्यूशन था। उस वक्त क्या है कि सोशल एस्पेक्ट में, सोशल फील्ड में हर जगह चेंज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जीवन जैसा चल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो फिर कॉम्प ने सोचा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो इस चेंज को साइंटिफिकली इसका इंटरप्रिटेशन कर सके, चेंज के कारणों को समझ सके, है ना, इसकी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर सके। तो डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट रिक्वायर्ड था उस वक्त। तो उसी कारण से जो है ऑगस्ट कॉम्प्ट, और एक ऑगस्ट कॉम्प्ट है ना वो नेचुरल साइंसेज और उनकी जो मेथोडोलॉजी थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे। उनको लगता था कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और ये सब्जेक्ट जो है अपने अपने फील्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो इसी तरह से सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड या सोशल वर्ल्ड की स्टडी भी कर सके। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, सोशल वर्ल्ड की स्टडी के लिए बहुत तरह तरह की ऐसी बातें की जाती थी कि
मतलब सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में, भगवान के हिसाब से कि दुनिया किसने बनाई, कि भगवान ने बनाई, जो कुछ हो रहा है सब वो जैसे पाप पुण्य के आधार पर, या जो मतलब ईश्वर, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये सारी बातें होती थी, और इसी से दुनियादारी को समझने की कोशिश की जाती थी। कौम ने कहा नहीं, ये सब गलत है, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। अगर अपने को दुनिया की स्टडी, समाज की स्टडी करनी है, तो अपने को इन समाज के अंदर ही इसके कारणों को ढूंढना होगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने एक स्टडी की अप्रोच डेवलप की थी जिसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद हिंदी में इसका अर्थ ज़्यादा अच्छे से सही ढंग से समझ में आता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो अपने को स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देता है। तो कॉम्प ने इसी बात पे आर्ग्यू किया कि अगर आप सोशियोलॉजी में स्टडी करना चाहते हो या सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना चाहते हो, तो जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है उसी को ही सही मानना है, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती है, जिसके बारे में आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को आपको सही नहीं मानना है, वो अंधविश्वास है। तो जो चीज़ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, जिसको आप जिसको इंटरप्रिटेट कर सकते हो, जिसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या जिसका एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ओनली दीज फैक्ट्स विल रिमेन एज ट्रूथ एंड अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। तो जो दिख सकता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वही सत्य है, बाकी सब जो है गलत है। तो यही अप्रोच है बेसिकली पॉजिटिविज्म की, कि जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है उसी को सच मानना, बाकी चीज़ों को सच नहीं मानना। क्यों? कॉम्प से पहले यही हुआ करता था कि इधर उधर की बातों को ही ज़्यादा सच मान लिया जाता था, जो चीज़ें डायरेक्टली देखी नहीं जाती थी, भगवान ईश्वर, है ना। भगवान और ईश्वर जो है, अब ठीक है ये आस्था का विषय है, लेकिन आप साइंटिफिकली तो इसको जो है कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। दुनिया बनी, समाज बना उसके लिए, या सामाजिक संबंध है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक जीवन को समझाने के लिए अगर आप भगवान को आधार मान लो कि ब्रह्मा जी ने ये किया, जैसे हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था को या वर्ण व्यवस्था को समझाने के लिए कहा जाता है ना कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से जो पैदा हुए वो ब्राह्मण कहलाए, भुजाओं से जो पैदा हुए वो क्षत्रिय कहलाए। अब आप ये देखें कि ये जो वर्ण का जो सिस्टम है वो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम है जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसका फॉर्मेशन का रीज़न भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में ही होगा। इसको आप ऐसे सुपर नेचुरल वर्ल्ड में ऐसे ब्रह्मा जी को बीच में ला करके इस बात को सही नहीं बता सकते हो। तो ऑगस्ट कॉम्ट इस चीज़ के बिल्कुल विरोधी थे। वो कहते थे कि आप जिस चीज़ को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसी को सही मानो, बाकी सारी चीज़ें सब अफवाहें हैं, सब गलत है, अंधविश्वास है, झूठ है। तो ये इनका पॉजिटिविज्म है जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। अभी अपन एक बार थोड़ा सा इनके जो बायोग्राफी है, जो अर्ली जो लाइफ है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट का जो जन्म है वो मॉन्टपेलर फ्रांस में 19 जनवरी 1798 को हुआ था। हिज पेरेंट्स वर मिडिल क्लास एंड हिज फैमिली इवेंचुअली रोज टू द पोजिशन ऑफ ऑफिशियल लोकल एजेंट फॉर अ टैक्स कलेक्टर। उसके फादर जो हैं वो एक लोकल को टैक्स कलेक्टर थे। ऑल दो अ प्रेसियस स्टूडेंट, कॉम्प नेवर रिसीव्ड कॉलेज लेवल डिग्री। अब देखें आप, कॉम्प ने खुद ने कॉलेज लेवल की डिग्री तक हासिल नहीं करी हुई थी। उसका एक कारण ये भी था, ही एंड होल क्लास वर डिसमिस्ड फ्रॉम द इकोल पॉलिटेक्निक फॉर द रिबेलियसनेस एंड देयर पॉलिटिकल आइडियाज। उनकी पूरी क्लास ने एक बार कोई हड़ताल कर दी थी, कोई जो है वो संघर्ष कर दिया था, उसके चक्कर में पूरी क्लास को सस्पेंड कर दिया, और इस तरह से जो है उनकी पढ़ाई आगे हो नहीं पाई थी। तो शुरुआत से ही जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड जो अथॉरिटी है या जो कुछ चला आ रहा है उसका विरोध करने की जो भावना है वो कॉम्प्ट में शुरुआत से थी। द एक्सपल्जन एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्प्ट्स एकेडमिक कैरियर इन 1817 ही बिकेम सेक्रेटरी ऑफ क्लाउड हेनरी सेंट साइमन। ये सेंट साइमन जो है ये कॉम्प के गुरु थे। कॉम्प से करीब करीब 40 साल सीनियर थे, अब फिलोसोफर 40 ईयर्स कॉम्प सीनियर, है ना। अब इन दोनों ने क्या है, काफ़ी मिलकर के जो है समाज के बारे में स्टडी करना शुरू किया, और काफ़ी इनकी शुरुआती 5-6 साल तो बहुत अच्छी
कंपेनियनशिप रही, और बाद में हालांकि इनका जो है वो संबंध टूट गया था आपस में, बाद में जो दोनों एक दूसरे की खूब बुराई भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्ट खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि सेंट साइमन जो है वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो है मेरा अर्ली इंक्लाइनेशन टूवर्ड सोसाइटी उनकी वजह से ही था। तो कॉम्ट उनको अपना गुरु मानते हैं, दुनिया में फेमस हैं कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन। दे वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर सेवरल ईयर्स। सेंट साइमन हेल्प कॉम्ट टू डेवलप एन ओरिएंटेशन टूवर्ड्स फिलोसॉफिकल थिंकिंग। दस सेंट साइमन ही डेवलप सेवरल मेजर आइडियाज, हाउ एवर देयर पार्टनरशिप वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड दे एंडेड अप क्वरलिंग विद ईच अदर। जो अभी मैंने कहा लड़ करके झगड़ करके अलग हो गए। तो काउंट जो है देखो शुरू से ही रिबेलियन उनकी अप्रोच रही, क्लास में भी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, गुरु के साथ में भी जो है वो थोड़े टाइम का संबंध रहा और फिर झगड़ा करके दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कॉम की जो मैरिड लाइफ थी वो भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, उन्होंने जो है अपनी मर्जी से एक कोई 16 साल की किसी एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करी थी, फिर थोड़े टाइम बाद में जो है वो रिलेशनशिप भी जो है मैरिड लाइफ भी उनकी ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी, हिकअप्स, उतार चढ़ाव अर्ली लाइफ में इनके काफ़ी देखने को आए, और जो शुरुआती जीवन है एक इंसान का सोशलाइजेशन जिस तरह से हुआ है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है फर्दर जो एक इंसान की एकेडमिक ग्रोथ है, माइंडसेट है, थिंकिंग का लेवल है, उन सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। लेटर ऑगस्ट कॉम्प्ट पब्लिश सम ऑफ हिज लेक्चर नोट्स, कोर्स दी फिलोसफी पॉजिटिव। ये फ्रेंच में था, फिर बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था जो एक बहुत ही फेमस बुक के रूप में था, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, ये बुक का नाम था। ये ऑगस्ट कॉम्ट ने लिखी थी, ये इनके नोट्स थे, कोर्स दे फिलोसफी पॉजिटिव, फ्रेंच में है ये लिखा हुआ, और फिर क्या है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था और उसको नाम ये दिया गया था, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। इसी तरह से इनकी एक और फेमस बुक थी, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये दो इनकी बड़ी फेमस बुक मानी जाती है, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी और द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। कॉम्ट वॉज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड ही वॉज फर्स्ट टू यूज़ द टर्म सोशियोलॉजी। कॉम्ट से पहले सोशियोलॉजी शब्द यूज ही नहीं किया जाता। ही हैड इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन लेटर सोशियोलॉजिकल थियोरिस्ट, स्पेशली हर्बर्ट स्पेंसर एंड इमाइल दर्किन, एंड ही बिलीव दैट स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी साइंटिफिक। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कॉम्ट की। कॉम्ट ने उनके पहले के जितने भी विचार थे सोशियोलॉजी के बारे में, समाज के बारे में, सोशियोलॉजी को तो कोई साइंस मानता ही नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, सोशियोलॉजी की स्टडी साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, जस्ट एज मैनी क्लासिकल थियोरिस्ट डिड एंड मोस्ट कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट डू। कॉम्ट वॉज ग्रेटली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एनार्की दैट परवेडेड फ्रेंच सोसाइटी एंड वॉज क्रिटिकल ऑफ दोज थिंकर्स हु हैड स्पाउंड बोथ द एनलाइटमेंट एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो ये जो पुनर्जागरण काल और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इनकी थिंकिंग के ऊपर पड़ा। ही डेवलप्ड दिस साइंटिफिक व्यू पॉजिटिविज्म, जिसके अभी मैंने चर्चा की थी, या जिसको पॉजिटिव फिलोसॉफी भी कहा उन्होंने, टू कॉम्बैट वॉट ही कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव फिलोसॉफी ऑफ द एनलाइटमेंट। कॉम्ट वॉज इन लाइन विद इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच काउंटर रिवोल्यूशनरी कैथलिक्स, स्पेशली बॉनलार्ड एंड मेजर, इनसे क्या है कि वो थोड़े से इन्फ्लुएंस थे। हाउ एवर हिज वर्क्स कैन बी सेट अपार्ट फ्रॉम थियरिस्ट ऑन द एटलीस्ट टू ग्राउंड। इनसे जो है ये ऊपर जिनका नाम दिया है, इनसे जो कॉम्ट की थ्योरी है वो दो बातों में अलग है। किस कैसे? एक पहली बात ये, ही डिड नॉट थिंक इट पॉसिबल टू रिटर्न टू मिडिल एजेस, वापस जो है वो पुराने टाइम की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। एडवांस इन साइंस एंड हिस्ट्री मेड दैट इम्पॉसिबल, क्योंकि अब साइंस और जो इंडस्ट्री ने अब वो कर दिया है कि पहले जैसे टाइम अब वापस आ नहीं सकता। और दूसरी बात, ही डेवलप्ड अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड थियोरेटिकल सिस्टम देन हिज प्रेडिसर्स। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा उन्होंने जो है सोफिस्टिकेटेड थियोरेटिकल सिस्टम जो उन्होंने तैयार किया, वन दैट वॉज एडिक्वेट टू शेप अ गुड पोर्शन ऑफ अर्ली सोशियोलॉजी। तो
अपने शुरुआती लोगों की तुलना में इन्होंने जो है सोशियोलॉजिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था। अब ये देखें, कॉम्प्ट ने जो है ना, कॉम्प्ट जैसा मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था कि कॉम्प्ट नेचुरल साइंसेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि सोशल लाइफ की स्टडी करता है। अब आप वंडर करेंगे, उसका नाम उन्होंने क्या दिया सबसे पहले, सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स, कॉम डेवलप्ड सोशल फिजिक्स और व्हाट इन 1839 ही कॉल्ड सोशियोलॉजी। इनकी पहले इन्होंने इनिशियली नाम सोशल फिजिक्स दिया था सोशियोलॉजी को, लेकिन क्या है ये सोशल फिजिक्स वर्ड ऑलरेडी कहीं पे किसी इंसान ने, किसी और ऑथर ने अपने किसी एक ऐसे में जो है ये वर्ड यूज़ कर लिया था, तो शायद कोई कॉपीराइट का इश्यू होगा या कहीं ना कहीं कॉम किसी और का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने फिर उसको सोशल फिजिक्स की जगह सोशियोलॉजी नाम दिया। बाकी शायद हो सकता है कि आज सोशियोलॉजी की जगह इसका, इस सब्जेक्ट का नाम सोशल फिजिक्स होता, कॉम ने पहले सोशल फिजिक्स ही नाम दिया था। ही यूज द टर्म सोशल फिजिक्स मेड इट क्लियर दैट कॉम सॉट टू मॉडल सोशियोलॉजी आफ्टर द हार्ड साइंसेस। तो मतलब वो ये बनाना चाहते थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की तरह, इसी तरह का सब्जेक्ट इसको बनाना चाहते थे, द न्यू साइंस विच इन हीज व्यू वुड अल्टीमेटली बिकम द डोमिनेंट साइंस वॉज टू बी कंसर्न बोथ सोशल स्टेटिक्स, इनकी एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर और सोशल डायनेमिक्स या सोशल चेंज। इसकी भी अपन आगे बात करेंगे, सोशल स्टेटिक्स और सोशल डायनेमिक्स की भी। ऑल दो बोथ इन्वॉल्व द सर्च ऑफ लॉज ऑफ सोशल लाइफ, ही फेल्ट दैट सोशल डायनेमिक्स वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल स्टेटिक्स। ही फोकस ऑन चेंज रिफ्लेक्टेड हिज इंटरेस्ट ऑन सोशल रिफॉर्म, पर्टिकुलरली रिफॉर्म ऑफ द इल्स क्रिएटेड बाई द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द एनलाइटमेंट। अब इन फ्रेंच रिवोल्यूशन और एनलाइटमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर जो है चेंजेस आए, कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई जो पहले कभी नहीं थी। सोशल लाइफ के कई तरह के डायमेंशन, सोशल रिलेशन के अंदर कई तरह के चेंजेस, भीड़ भाड़, लोगों का एक दूसरे के साथ में जो है संबंधों में मतभेद, और कई प्रकार के नए नए इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होने लगे जो पहले कभी नहीं थे। तो कॉम्प्ट को लगा कि भाई ऐसा रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ जो है इसके बारे में भी, इसको इसको समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कॉम्प्ट डिड नॉट अर्ग रिवोल्यूशनरी चेंज बिकॉज ही फेल्ट नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी वुड मेक थिंग्स बेटर, रिफॉर्म्स वर नीडेड ओनली टू असिस्ट द प्रोसेस अ बिट। अब जो कॉम्प्ट का जो ये मेजर वर्क है द पॉजिटिव फिलोसॉफी, इंक्लूडेड हिज आर्ग्यूमेंट फॉर साइंस ऑफ सोसाइटी, डिटेलिंग हिज एरिया ऑफ फोकस, मैथडोलॉजी, अप्रोच ही अप्लाइड यूज, जो पॉजिटिविज्म है उनका, उसके बेस पर जो है उन्होंने सोशियोलॉजी को समझने की कोशिश की है। अब जो है इनका एक जो हायरार्की, कॉम्ट के, देखिए कॉम्ट की बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तो इन्होंने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी लिखी, एक इन्होंने लिखी द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये दो इनकी मेजर बुक्स हैं। और सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में जो इन्होंने थ्योरीज दी है, जो जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों में एक तो इनके फेमस है, एक तो पॉजिटिविज्म जिसके बारे में अभी थोड़ी सी अपन ने बात की थी, एक इनका है हायरार्की ऑफ साइंसेस जिसकी अभी अपन बात करेंगे, एक इन्होंने, इनका बहुत ही फेमस थ्योरी है वो है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। और इसके अलावा इनके व्यूज रिगार्डिंग सोशियोलॉजी, ये चार चीज़ें जो हैं वो कॉम की फेमस हैं, एक एक करके अपन इनकी बात करेंगे अभी। सबसे पहले जो है अपन आते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेस के ऊपर। ये यहाँ से देखिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, द लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंसेस हैज़ विदस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम मच बेटर देन द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। ऑफ द वेरियस क्लासिफिकेशन दैट हैव प्रपोज्ड, इट इज कॉम्ट दैट इज स्टिल अ मोस्ट पॉपुलर टूडे, द क्लासिफिकेशन टू स्ट्रक्चर द कोर्स विच एग्जामिनेशन
ईच ऑफ सिक्स फंडामेंटल साइंसेस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी. इन टर्न इट प्रोवाइड्स अ वे टू जस्टिस द डाइवर्सिटी ऑफ साइंसेस विदाउट देयर बाय लॉसिंग साइट ऑफ देयर यूनिटी. द क्लासिफिकेशन ऑल्सो मेक कॉम्प द फाउंडर ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ साइंस इन द मॉडर्न यू. अब ये ग्राफ, ये जो बना हुआ है पिक्टोरियल फॉर्म में, इससे आप समझें. अब ये देखिए, इन्होंने क्या है, हायरार्की ऑफ साइंस को समझाया है. मतलब जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी साइंसेज हैं, उनकी अगर हायरार्की तय की जाए, मतलब उनका क्रम निर्धारण किया जाए, तो वो क्रम निर्धारण कैसे होगा. इन्होंने देखें आप, सबसे नीचे क्या है, मैथमेटिक्स. फिर है एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, वो साइंस जो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों, सूर्य चंद्रमा, इनकी स्टडी करता है. फिर है फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, फिर है बायोलॉजी, फिर है सोशियोलॉजी. अब ये जो हायरार्की है, ये जो क्लासिफिकेशन है, उसमें उन्होंने मैथ्स को रखा है सबसे नीचे. उसका कारण क्या है, साइड में आप देखें, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी और डिक्रीजिंग जनरलिटी. अब इसके अंदर क्या है कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट के रूप में अगर अपन बात करें, तो इसकी जो थ्योरीज है, ये अपनी थ्योरीज में किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं लेता है. इसकी थ्योरी अपने आप में, मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज होती हैं, वो सब उसकी मैथ्स की अपनी खुद की होती है. वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है ना. वो जो है दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है. मैथमेटिक्स की थ्योरी सेल्फ उसी की थ्योरी है. उसके बाद में आता है एस्ट्रोनॉमी. अब एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी में अपन सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, मंगल ग्रह, इनकी स्टडी होती है. तो इनकी स्टडी के अंदर क्या होता है, जो साइंटिस्ट जब इनकी स्टडी करते हैं, तो ये साथ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी यूज़ करते हैं. तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को भी यूज़ करती है. तो इसलिए क्या है कि एस्ट्रोनॉमी थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये आता है फिर सेकंड नंबर पर. और फिजिक्स जो है, फिजिक्स अपनी स्टडीज़ के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज को भी यूज़ करता है और मैथमेटिक्स को भी यूज़ करता है. तो इसलिए फिजिक्स आ गया फिर तीसरे नंबर पर. और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में जो जितने भी केमिकल्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी होती है, और कहीं ना कहीं जो है एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट की स्टडी होती है, और मैथमेटिक्स भी यूज होता है. तो केमिस्ट्री जो है अपने इन तीन पूर्ववर्ती विज्ञानों के ऊपर वो आश्रित है, डिपेंडेंट है, इनकी थ्योरीज को कम या ज़्यादा वो यूज़ करता है. बायोलॉजी जो है इससे पहले वाले चारों को यूज़ करता है. और सोशियोलॉजी जो है वो एक नया सब्जेक्ट है, नया नया साइंस है, तो ये अपने से पहले के जितने भी साइंसेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान को, उनसे प्राप्त जो भी फाइंडिंग्स है, आउटकम्स हैं, उनको यूज़ करता है. तो इसलिए सोशियोलॉजी जो है वो उसके अंदर मैथमेटिक्स का भी इन्वॉल्व होता है, एस्ट्रोनॉमी का भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. इस सेंस में भाई जो ह्यूमन बींग्स की कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उसके अंदर ह्यूमन बींग्स के कुछ न कुछ बायोलॉजिकल एक्शंस हैं, ह्यूमन के अंदर जो इमोशंस हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हॉर्मोन्स का जो केमिकल सिस्टम होता है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है. तो इसलिए क्या है कि सोशियोलॉजी के अंदर इससे पहले के जितने सब्जेक्ट हैं वो सब जो है वो यूज़ होते हैं. तो इसलिए क्या होता है कि वो धीरे धीरे फिर कॉम्प्लिकेसी जो है वो इंक्रीज होती जाती है. मैथमेटिक्स में खाली मैथमेटिक्स ही है, एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमी के अलावा मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स में इसके अलावा बाकी भी हैं. तो इस तरह से जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इंक्रीज होता जाता है ना. और कॉम्प्लिकेशन जब इंक्रीज होता है तो वो जो जनरलिटी है वो फिर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है. मैथ्स जो है वो मोस्ट जनरल टाइप का सब्जेक्ट है ना. और फिर ये जो है उतना ही फिर ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाता है. तो फॉर कॉम्प, सोशियोलॉजी इज टू बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर डिटरमाइंड सोशल लॉज एंड हाउ दिस लॉज कैन बी यूज टू इम्प्रूव सोशल हारमोनी. For Comte, the discovery of such laws constitutes pure sociology. Discovery of how to use those laws in order to engineer a better society constitute applied sociology. मतलब जो एक अप्लाइड सोशियोलॉजी है, इनकी कुल मिलाकर के कैसे सोशियोलॉजी को बेटर बनाना है उसके लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में भी Comte बात करते हैं.
तो कुल मिलाकर के ये जो हायरार्की ऑफ साइंसेज हैं, ये यही बताता है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है, और जितना ज़्यादा जो है डिपेंडेंसी होती जाएगी और उसी तरह से जो है फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है, और उसमें मैथ्स को नंबर वन पे रखा है, सबसे नीचे की तरफ रखा है। उसका कारण ये है कि ये अपने सब्जेक्ट के अंदर अपनी फाइंडिंग्स में किसी और सिद्धांत से प्राप्त जो भी बातें हैं उनको यूज़ नहीं करता है। अब जो है कॉम्प्ट की जो बात आती है उसमें अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्ट के जो व्यूज हैं सोशियोलॉजी के बारे में। कॉम्प्ट ने बेसिकली, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये सोशियोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट शुरू किया था। लेकिन साथ ही इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में ये भी कहा कि सोशियोलॉजी की स्टडी किस तरह से होनी चाहिए, और इन्होंने सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, एक तो सोशल स्टैटिक्स और दूसरा सोशल डायनेमिक्स। सोशल स्टैटिक्स STATIS है ना, स्टैटिस्टिक्स नहीं है ये, स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स जो है वो ये बात करता है, ये सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, इनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, इनकी वेरियस इंस्टीट्यूशन, वेरियस एसोसिएशन, वेरियस प्रोसेसेस मिलकर के सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सोशियोलॉजी का वह फील्ड जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर की स्टडी करता है वो तो है सोशल स्टैटिक्स, और दूसरा होता है सोशल डायनेमिक्स। इनकी डायनेमिक्स, डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर मोशन हो, जो कंटिन्यूअसली चलता रहने वाला हो। तो सोशल डायनेमिक्स में स्टडी होती है कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर टाइम के साथ में चेंजेस आए हैं। तो सोशियोलॉजी जो है सोशल स्टैटिक्स की भी स्टडी करता है और सोशल डायनेमिक्स की भी स्टडी करता है, मतलब टाइम के साथ में किस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंज हुए हैं, उन चेंजेस की भी स्टडी सोसाइटी के अंदर होती है। स्ट्रक्चर की तो होती ही होती है, चेंजेस की भी होती है। ये इन्होंने क्या है कि सोशियोलॉजी के बारे में मेन इन्होंने ये बात अपनी रखने की कोशिश की है। फिर जो एक इनका और फेमस सिद्धांत है वो है द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं ज्ञान का त्रिस्तरीय सिद्धांत या ज्ञान का त्रिस्तरीय नियम। ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है या ज्ञान का त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है, इसमें इन्होंने ये बात कही है कि मनुष्य जो है या इंसान का जो ज्ञान है, इंसान की जो नॉलेज है, ये एसेंशियली तीन स्टेजेस से होकर के गुजरी है। और ये जो तीन स्टेजेस है उसके बारे में इन्होंने बताया कि फर्स्ट जो स्टेज है वो है थियोलॉजिकल स्टेज, है ना, थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज के बारे में ये कहा कि इंसान जो है जब इस सृष्टि पे उत्पन्न हुआ, और जैसे जैसे उसके दिमाग की बत्ती जली, है ना, मतलब कहीं ना कहीं उसने सोचना विचारना प्रारंभ किया, कहीं ना कहीं उसका दिमाग चलने लगा, तो वो ज्ञान जब उसको अर्जित होने लगा, तो वो ज्ञान अर्जित अचानक से ऐसा नहीं हो गया जैसा आज आज है उसके पास में। वो एक धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से एक प्रोसेस के रूप में इंसान को वो नॉलेज मिला। उस नॉलेज गेन करने में जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी थियोलॉजिकल स्टेज। इन द थियोलॉजिकल स्टेज माइंड एक्सप्लेन्स फिनोमिना बाय एस्क्राइबिंग देम टू बिगन्स और फोर्सेस कंपेरेबल टू ह्यूमन बींग्स। इन दिस स्टेज ह्यूमन बींग अटेम्प्ट टू डिस्कवर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉजेज ऑफ ऑरिजन एंड पर्पज एंड ऑल इफेक्ट्स दस ह्यूमन माइंड एंड दिस लेवल सपोज दैट ऑल फिनोमिना आर प्रोड्यूस्ड बाय द इमीडिएट एक्शन ऑफ सुपर नेचुरल बींग्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल सम ट्राइब्स बिलीव दैट डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा वर एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स एंगर। मतलब ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है, इस स्टेज में मनुष्य का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल जो फिनोमिना है उससे प्रभावित रहता है। मतलब अपने आसपास की घटनाओं की इंसान जब व्याख्या करने की कोशिश करता है तो वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते वक्त उसको गॉड के साथ में रिलेट करता है। मान लीजिए कि बारिश आ रही है,
बारिश आ रही है तो इंसान को बारिश के बारे में ज्ञान नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में, थियोलॉजिकल स्टेज में, वो बारिश को किस तरह से इंटरप्रेटेट और एक्सप्लेन करेगा कि भाई कोई एक सुपर नेचुरल कोई पावर है, भगवान है कोई, जैसे अपन लोग भी कहते हैं आज भी कोई इंद्र देवता है, कि वो जो है वो बारिश करवा रहे हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है कि बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो ये मानती है कोई स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा और जो बीमारियाँ हो जाती है वो भगवान नाराज़ होते हैं। अपने यहाँ अभी भी मानते हैं ना छोटी माता जी, ये चिकन पॉक्स को वो ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से भाई माता जी निकल गए, दाने दाने हो गए, देवी माँ को प्रसाद चढ़ाओ उससे बीमारी ठीक होगी। तो कुल मिलाकर के डिजीज हो या कोई नेचुरल वर्ल्ड के अंदर कोई भी घटना घटित होती है तो उसको गॉड के साथ में रिलेट करना, ये व्याख्या करना कि ये जो घटना हो रही है उसके पीछे गॉड रेस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेज कौन सी होती है? थियोलॉजिकल, जिसमें इंसान सभी घटनाओं के घटित होने का कारण भगवान में ढूंढता है। ये है थियोलॉजिकल स्टेज। उसके बाद में आती है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल जो स्टेज है वो थियोलॉजिकल स्टेज की कंपैरिजन में थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, यानी कि अब जो है इंसान थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, थोड़ा सा समझदार हो चुका है, लेकिन अभी वो क्या करता है, अब वो घटनाओं के घटित होने के पीछे या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में अब वो गॉड को जो है वो ज़्यादा बीच में नहीं ला रहा है। बट स्टिल इवेंट्स के बारे में या घटनाओं की व्याख्या करने का जो एग्जैक्ट रीज़न है वहाँ तक भी वो अभी तक नहीं पहुँचा है। तो इस स्टेज में इंसान क्या करता है, जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज या नेचर के बेस पर जो है वो घटनाओं की व्याख्या करता है। इन द मेटाफिजिकल स्टेट द माइंड एक्सप्लेन फिनोमिना बाई इन्वोकिंग एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज लाइक नेचर, यानी कि अब वो घटनाओं के घटित होने के पीछे भगवान को रेस्पॉन्सिबल नहीं मान रहा है, वो कह रहा है नेचर, कि भाई ये नेचुरल है, नेचर की वजह से ऐसा होता है ना। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के बारे में वो पहले तो ये कहता था भगवान बारिश कर रहा है, अब कह रहा है भाई ये नेचर है, नेचर की वजह से बारिश हो रही है, नेचर अपने हिसाब से बारिश कर रही है। तो अब क्या है कि अब नेचर अपने आप में क्या है, नेचर में क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में उसको नहीं पता, लेकिन वो अब उसने केवल डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब घटनाओं के घटित होने के पीछे जो पहले गॉड की बात किया करता था वो अब वो गॉड की बात नहीं करता है। ये एक डेवलपमेंट है। ह्यूमन बींग परस्यू मीनिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एसेंस, आइडियल्स, फॉर्म्स, इन शॉर्ट कॉन्सेप्शन ऑफ सम अल्टीमेट रियलिटी सच एज गॉड। अब क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो इस तरह की बात करता है कि भाई ठीक है कुछ एक पावर है, चाहे वो नेचर का पावर है या और कुछ है, वो जो है कहीं ना कहीं इन घटनाओं के घटित होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल है। फिर बात आती है तीसरी स्टेज की, पॉजिटिव स्टेज। अब ये है मॉडर्न साइंटिफिक स्टेज। इस स्टेज में इंसान घटनाओं के घटित होने के लिए ना तो गॉड को रेस्पॉन्सिबल मानता है ना नेचर को रेस्पॉन्सिबल मानता है। अब वो घटनाओं को घटित होने के पीछे जो ट्रू साइंटिफिक फैक्ट है उसको रेस्पॉन्सिबल मानता है। अगर अपन रेन के हिसाब से एग्जाम्पल लें तो पहले इंसान थियोलॉजिकल स्टेज में क्या कहता था, गॉड की वजह से हुआ है। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या मानता था वो, कि भाई नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है। और जो थर्ड स्टेज के अंदर अब वो क्या मानता है कि नहीं, कि सूरज की गर्मी से जो वाटर है वो वेपोराइज होकर के ऊपर जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स जो है फिर बाद में जब वो प्रसिपिटेशन का प्रोसेस होता है, ह्यूमिडिटी होती है और फिर बारिश होती है। तो एक जो साइंटिफिक फैक्ट है बारिश को लेकर के अब वो इस स्टेज में पहुंच जाता है। तो इन द पॉजिटिव स्टेज ह्यूमन बींग्स सीज टू लुक ओरिजिनल रिसोर्सेज। अब वो ना नेचर की बात कर रहा है और ना और किसी चीज़ की बात कर रहा है, ओरिजिनल जो सोर्स है उसकी बात कर रहा है, द फाइनल कॉज, बिकॉज दिस कैन नाइदर चेक अगेंस्ट द फैक्ट नॉटिलाइज्ड टू सर्व आवर नीड्स। ह्यूमन माइंड एट दिस स्टेज अप्लाइज इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ देयर लॉज, देयर इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ सक्सेशन एंड सिमिलेंस। ह्यूमन बींग सीक्स टू एस्टेब्लिश लॉस्ट लिंक फैक्ट एंड विच ग्रोन सोशल लाइफ। तो इस स्टेज में इंसान जो है वो और कुछ नहीं है, केवल और केवल फैक्ट की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, और लॉजिक के बेस पर ही चीज़ों को एक्सेप्ट या डिनाई करता है। अगर मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में ये तीनों चीज़ें बताऊँ तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो जहर खा करके मर जाता है। तो इंसान जहर खा करके मरा है, अब इसको थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर या थियोलॉजिकल जो स्टेज के हिसाब से अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि वही भगवान की मर्जी थी इसलिए जो है वो मर गया, भगवान ने उसके लिए इतने दिन लिखे हुए थे, बाकी तो सब बहाने होते हैं, जिसको जब जाना होता है तो भगवान जब बुला लेता है तो इंसान चला जाता है। तो इस तरह से जहर खा के मरा है, पर उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे होगा। फिर सेकेंड जो स्टेज आती है मेटाफिजिकल, जिसके अंदर नेचर या जो एब्स्ट्रैक्ट लाइफ है उसके बारे में बात होती है, तो वो इस घटना की व्याख्या कैसे करेंगे कि साहब मिलना और बिछड़ना तो प्रकृति का नियम है, जो आता है वो एक दिन जरूर जाता है, संसार तो एक स्टेज की तरह है, हर कोई इंसान अपना अपना रोल प्ले करता है, चला जाता है, मतलब इस तरह की फिलोसॉफिकल बातें है ना। घटना के घटित होने के सही कारण तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वो इधर उधर की दार्शनिक बातें करके घटना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये होती है मेटाफिजिकल स्टेज, है ना, कि जो आता है वो चला जाता है, मिलना बिछड़ना इस प्रकृति का नियम है। तो ये एक्सप्लेनेशन होगा मेटाफिजिकल स्टेज का। और थर्ड और जो साइंटिफिक स्टेज होगी, उसमें वो जहर खा करके मरा है उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा कि इनिशियली तो वो रिलाई नहीं करेगा कि हाँ ये इंसान जो है मर चुका है, फिर बाद में जो है उसकी वो पल्स रेट चेक करेगा, उसको स्टेथोस्कोप लगा करके धड़कन देखेगा, फिर बाद में जो है उसका पोस्टमार्टम करके ये देखेगा कि क्या हुआ, फिर बाद में पता चलेगा कि भाई उसके एब्डोमिन के अंदर कुछ पॉइजन की मात्रा है जो अल्टीमेटली उसके ब्लड के अंदर पहुंच गई, ब्लड से जो है वो सारे ऑर्गन्स में गई, धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया और अल्टीमेटली जो है इंसान डेड हो गया। तो इस तरह से साइंटिफिक जो अप्रोच है ना, या साइंटिफिक जो स्टेज है उसके अंदर फैक्ट और लॉजिक के बेस पर बात होती है। थियोलॉजिकल में भगवान, मेटाफिजिकल में केवल दर्शन और प्रकृति की बातें हैं, और इसके अंदर लॉजिक की बातें हैं। तो ऑगस्ट कॉम्ट ये कहते हैं कि जो ह्यूमन का जो थिंकिंग का प्रोसेस है, जो नॉलेज है, वो एसेंशियली इन तीन स्टेजेस से होकर के गुजरा है। पहले हमारा जो नॉलेज था वो थियोलॉजिकल था, हमारे सोच का केंद्र भगवान था। फिर हम थोड़ा सा डेवलप हुए तो हम जो है नेचर की बात करने लगे, फिलोसॉफी की बात करने लगे, लेकिन हम एग्जैक्ट रीजन तक नहीं पहुँचे। और बाद में जो है वो हम इस पर पहुँचे, तो वो जो स्टेज है वो है साइंटिफिक स्टेज, है ना। तो कुल मिलाकर के क्या है कि इसी को ही फिर इन्होंने पॉजिटिव स्टेज भी कहा है, जो पॉजिटिविज्म है, जिसमें मैंने कहा था कि जो चीज़ जैसे दिखाई देती है उसको उसी रूप में सच मानना। तो साइंटिफिक स्टेज और पॉजिटिव स्टेज जो है वो अपने आप में एक ही बात है, जो प्रत्यक्ष में जो दिखाई देता है उसी को ही प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट करना, उसी को ही एज एविडेंस एक्सेप्ट करना, जो चीज़ वास्तव में आप जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आपको आंखों से दिखाई देती हो। तो ये इनका लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है। उसके अलावा ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में पहला तो है थियोलॉजिकल, इनकी फिक्टिशियस स्टेज जिसमें भगवान की बात होती है। इसको और तीन भागों में बांट सकते हैं, तो फैथिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। इनकी भगवान के अंदर भी जो है पहले तो अदृश्य शक्तियों की बात होती है ना, फैथिज्म। फिर पॉलीथिज्म में क्या होता है, बहुत सारे देवताओं की बात होती है, ये वर्षा का देवता, ये जीवन का देवता, नहीं मृत्यु का देवता, मतलब पॉलीथिज्म, बहुदेववाद जिसको हिंदी में कहते हैं। और मोनोथिज्म में फिर क्या होता है कि ये मान लिया जाता है कि भाई कोई एक शक्ति है, देवीय शक्ति कोई एक है, बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ इंसान टर्न करता है। तो ये थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर भी ये तीन स्टेजेस हैं, पर बेसिकली क्या है कि थियोलॉजिकल स्टेज कुल मिलाकर के घूमती है भगवान के ऊपर विश्वास से ही। इनकी इस स्टेज में इंसान जो है केवल और केवल घटनाओं की व्याख्या करते वक्त गॉड का सहारा लेता है, चाहे वो अदृश्य शक्तियों का हो या बहुत सारे देवी देवताओं का हो या एक जो है एक देवीय शक्ति की बात हो, है ना। तो कुल मिलाकर के ये स्टेज जो है इसके अंदर इंसान घटनाओं की व्याख्या कैसे करता है, थियोलॉजिकल या फिक्टिशियस बेसिस पर, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते।
फिर है मेटाफिजिकल स्टेज, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था कि जिसमें फिलोसॉफी की बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट लाइफ की बात होती है, नेचर की बात होती है। और थर्ड स्टेज जो है वो पॉजिटिव स्टेज है, इनकी साइंटिफिक स्टेज है, जिसमें जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में ही सच माना जाएगा। तो ये तीसरी स्टेज है। तो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का मतलब यही है कि एसेंशियली जो ह्यूमन नॉलेज है वो इन तीन स्टेजेस से होकर के गुजरा है। तो इस तरह से जो है वो हमारा माइंड डेवलप हुआ है, हमारा जो सोच का स्तर है वो इस तरह से डेवलप हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टेज कॉम्ट डेवलप्ड हिज मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। तो उन्होंने फिर यही बात की कि सोशियोलॉजी को अगर अपने को एज अ सब्जेक्ट डेवलप करना है तो हमको साइंटिफिक स्टेज की बात करनी है, अपने को थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल वाली बातें नहीं करनी है इनकी। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हमें वो नहीं कहना है कि भाई समाज को जो है वो भगवान ने पैदा किया या प्रकृति ने पैदा किया, या सामाजिक घटनाएं प्रकृति की वजह से होती है, या कोई घटना घटित हुई उसका कोई कारण नहीं है आपके पास में, आप ये कह करके बच निकलो कि ये तो नेचुरल है, ऐसा तो होता है, ये तो अपने आप होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कॉजल रिलेशनशिप हमेशा होती है। अगर कोई घटना घटित हुई है तो देयर मस्ट बी सम सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट, इट्स ओनली योर इग्नोरेंस दैट यू कांट फाइंड दैट रीज़न। तो हर घटना के घटित होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो उस कारण को खोज निकालना ही सोशल साइंटिस्ट का काम है। तो समाज में जो कुछ भी होता है वो कारण रहित नहीं होता है, बिना कारण के नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ रीजंस ज़रूर होते हैं। और इंसान को फिर क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिम द रिसोर्सेज अपॉन विच सोशियोलॉजी कैन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ प्रोग्रेस एंड सोशल ऑर्डर थ्रू थ्री मेथड्स, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम दैट हैव बीन यूज्ड सो सक्सेसफुली इन नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस की तरह सोशियोलॉजी को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। फिर उसके लिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंपेरिजन। जैसे नेचुरल साइंसेज में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो इसी तरह से सोशियोलॉजी को भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। आप खाली हवा में ही कोई बात कह दो तो वो चीज़ नहीं चलेगी। ऑब्जर्वेशन डज नॉट मीन दी अनगाइडेड क्वेस्ट फॉर मिसलेनियस फैक्ट बट फॉर गाइडेंस ऑफ प्रिपरेटरी थ्योरी। तो कुल मिलाकर के जो है ऑब्जर्वेशन वही होता है जिसको आप आंखों से देखते हो घटनाओं को घटित होते हुए साइंटिफिक तरीके से। द ऑब्जर्वर वुड नॉट नो वॉट फैक्ट्स टू लुक एट। नो सोशल फैक्ट कैन हैव एनी साइंटिफिक मीनिंग टिल इट इज़ कनेक्टेड विद सम अदर सोशल फैक्ट बाय द प्रिलिमिनरी थ्योरी। तो जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं वो सब एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। तो एक सोशल साइंटिस्ट का काम है कि वो उन घटनाओं के घटित होने के जो पीछे के जो रीज़न है, जो इंटरकनेक्टनेस है, उन सभी के बारे में वो अच्छे से समझे। फिर द सेकेंड साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज, पहले तो ऑब्जर्वेशन की बात हो गई, अब ये इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन ओनली पार्टली एप्लीकेबल इन दी सोशल साइंसेस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन और डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर इतना फिजिबल नहीं है। वो एक बार मैंने आपको पहले भी कहा था कि लेबोरेटरी के अंदर जैसे एक्सपेरिमेंटेशन होता है वैसा आप सोशल लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। बट एक्सपेरिमेंटेशन टेक प्लेस वेन एवर द रेगुलर कोर्स ऑफ फिनोमिना इज इंटरप्रेट विद इन द डिटरमाइंड मैनर, है ना। तो इसलिए क्या है कि कुछ कंडीशंस के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल है जहाँ पे उसको ज़रूर करना चाहिए। पैथोलॉजिकल केस आर द ट्रू साइंटिफिक इक्विवेलेंट ऑफ प्योर एक्सपेरिमेंटेशन। तो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो सामाजिक समस्याओं के जो कारण बनते हैं, उनकी व्याख्या जो है वो आप एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर कर सकते हो। डिस्टर्बेंस इन द सोशल बॉडी आर एनालॉगस टू डिजीज। मतलब बिल्कुल समाज का डिस्टरबेंस जो है वो बिल्कुल किसके सादृश्य है, किसके समान है, जैसे शरीर में बीमारी हो जाती है उसी के समान है। एंड सो द स्टडी ऑफ पैथोलॉजिकल गिव्स एज इट वर प्रिविलेज एक्सेस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉर्मल। ब्लड टेस्ट करके बताया जा सकता है कि शरीर में क्या प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से सोशियोलॉजिस्ट को भी क्या करना चाहिए कि सोसाइटी के कुछ पार्ट का एक सैम्पलिंग वगैरह करके ये वो पता लगा सकता है कि
सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, और साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस टू द सोशियोलॉजिकल कंपैरिजन अबव ऑल। अब जो कंपैरिजन की यहाँ पे बात कर रहा है, अपन ने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ा भी था थर्ड सेम वाले टॉपिक में, तो कंपैरिजन जो है वो एक बहुत बड़ा जो साधन है जिसके द्वारा आप जो है वेरियस सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करके उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में पता कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखें, कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी विल गिव अस प्रेशियस क्लूज टू द फर्स्ट जर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन एंड द बॉर्डर लाइन बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो जिस तरह से क्या है, इस धरती के ऊपर जीवों का विकास हुआ है, उद्विकास हुआ है कुछ कुछ, उसी तरह से सोसाइटी भी डेवलप हुई है। तो इसलिए जो ह्यूमन और जो एनिमल एनालॉजी है वो भी क्या है कि साइंटिस्ट को जो है कंसिडर करनी चाहिए और अपने एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर उन चीज़ों को भी यूज़ करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के क्या है कि इनकी जो अप्रोच है वो टोटली साइंटिफिक अप्रोच की वो बात करते हैं। इनकी जब सोसाइटी के बारे में स्टडी करनी है तो उसको मतलब फेक और जो नॉन बिलीवेबल या कुछ इस तरह की जो बातें होती है जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनको वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कॉम्ट केवल उन्हीं बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो, जिनका एक्सपेरिमेंटेशन हो सके और जो आपके आँखों के सामने मौजूद हो, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, केवल वही चीज़ें जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्ट। तो इसलिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू कॉम्प्ट द यूनिवर्स इज एम्पिरिकल विदाउट स्पिरिचुअल फोर्स। एम्पिरिकल का मतलब यही होता है, एम्पिरिकल स्टडी वाला भी अपन ने पढ़ा था, एम्पिरिकल मतलब अनुभविक, कहीं ना कहीं आप अपने अनुभव के आधार पर जो है वो घटनाओं को देखो। अब इसके अंदर स्पिरिचुअल फोर्स वाली बात नहीं, ये नहीं कि जो साहब मैंने तो सपना देखा था, वो सपने में मुझे भगवान ने ये कहा कि ये चीज़ ऐसी है, तो ये कोई घटनाओं की व्याख्या करने का कारण नहीं होता है। और दुर्भाग्य की बात है आज भी इस तरह का देखने में आता है। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना में भी एक साधु महात्मा नहीं था, उसने कहा भगवान ने मुझे सपने में आके ये कहा है कि नाक में नींबू निचोड़ोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो अब ये इस तरह की बातें आज भी चलती है, जबकि कॉम्ट ये कहता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है इनको आप ट्रू नहीं मान सकते हो क्योंकि इनका कोई बेस नहीं है। ऑल दिस थिंग्स आर बेसलेस, और जो बेसलेस चीज़ें हैं उनका सोशियोलॉजी के अंदर या सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर कोई जगह नहीं है, है ना। तो ऑन द वन हैंड फेटलिज्म पुट्स द स्पिरिचुअल फोर्स एंड सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस, पॉजिटिविज्म पुट्स ह्यूमैनिटी एट द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो पॉजिटिविज्म जो है उसी को उन्होंने जो है वो सबसे इम्पोर्टेंस प्लेस अपनी हर जगह पर रखा है। फिर ये बात आगे सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स की जो मैंने शुरू में भी आपको बताई थी। अकॉर्डिंग टू कॉम्ट सोसाइटी इज ब्रोकन इंटू टू डिस्टिंक्ट स्फीयर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट थ्योरी। ऑन दी वन हैंड सोशल स्टैटिक्स, इनकी सोशल ऑर्डर या सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी, एंड अदर इज सोशल डायनेमिक्स, इनकी प्रोग्रेस। सोशल स्टैटिक्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। मतलब सोशियोलॉजी का ये वाला जो पोर्शन है ये किसकी स्टडी करता है, सोसाइटी का जो एक ऑर्डर है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेबिलिटी है और उसका जो इंटीग्रेशन है, मतलब जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडीज के पार्ट में होती है। और डायनेमिक्स में क्या होता है, अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज फ्रेगमेंट टेशन एंड प्रोग्रेस, मतलब जिसमें कंटिन्यूटी हो, जो लगातार मूव करने वाली चीज़ हो। तो इसलिए सोशियोलॉजी को इन्होंने साइंस ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स दोनों बताया है। तो ये इनके व्यूज़ हैं सोशियोलॉजी के बारे में। और सोशल स्टैटिक्स स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रेस्ट इन ए फिक्स्ड स्पेस, सोशल डायनेमिक्स स्टडीज द लॉज ऑफ मोशन थिंग्स। ये खैर अपन बात कर ही चुके हैं इसके बारे में कि ये एक तो जो है वो फिक्स जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करता है और दूसरा जो है वो चेंजेस की स्टडी करता है। तो ये जो है कॉम्ट की व्यू है जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने रखने की कोशिश की है। बेसिकली क्या है कि कॉम्ट का जो एक एक सिद्धांत है वो पूरा, वैसे आपको एक तरह से ये चाहिए कि पूरा एक सिद्धांत के ऊपर आपको एक पीरियड चाहिए, कम से कम एक घंटा चाहिए,
जिसमें आप लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को बताते हो, या एक आपको पूरा सिद्धांत चाहिए पॉजिटिविज्म को बताने के लिए, एक पूरा सिद्ध आपको पीरियड 1 घंटे का टाइम चाहिए जिसके अंदर आप जो है वो कॉम्स व्यू रिगार्डिंग सोशियोलॉजी की बात कर सकते हो। लेकिन चूंकि आप लोगों का एक ही यूनिट में ये सारे ही आए हुए हैं, कॉम्प, वेबर, दुर्खी, मार्क्स, बाकी बीए के अंदर जो बीए फाइनल ईयर के अंदर एक यूनिट के अंदर एक थिंकर है, तो 5 थिंकर इनकी पूरा वो सिलेबस है वो, और ये जो बीए का पूरा सिलेबस है प्लस गांधी जी और ऐड कर दिए अंदर, 6 हो गए। तो ये 6 थिंकर्स आपके एक ही यूनिट में आ गए हैं। तो ऑब्वियसली क्या है कि अब आप लोगों से यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि हर थिंकर की हर थ्योरी को आप डिटेल से पढ़ें, रादर व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल दैट यू शुड नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यूज बाय द सर्टन सोशियोलॉजिस्ट। जैसे कॉन्ट ने जो है वो पॉजिटिविज्म की बात की, जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है उसी को फैक्ट माना है ना। उसके अलावा उनका जो सोशियोलॉजिकल फील्ड में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी बुक्स कौन सी हैं, उनकी थ्योरीज कौन सी हैं, और किस सिद्धांत के अंदर मेनली उन्होंने क्या बात कही है, तो ये चीज़ जो है वो मैंने आपके आगे रखने की कोशिश की है शॉर्ट के अंदर। और फिर अपन जो है नेक्स्ट बात करेंगे अगले जो थिंकर्स हैं उनके बारे में। अगर आप कुछ पूछना भी चाहे तो पूछ सकते हैं, हो सकता है कि जो मैंने ब्रीफ में कुछ चीज़ें बताई है आपको, तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको नहीं भी समझ में आई हो, बट आप जो है आप पूछ सकते हैं अगर आपका किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो। बाकी इसको आप लोगों को पढ़ना शॉर्ट में ही है, कोई बहुत ज़्यादा जो है डिटेल के अंदर जो है वो आपको चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है कि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है उसका पूरा डिटेल में, या पॉजिटिविज्म पूरा डिटेल में। बेसिकली कॉम्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वहीं तक आप लोगों को जो है वो सीमित रहना है। और कुछ विशेष आप जानना चाहें तो बात कर सकते हैं। आपकी जो एक बुक है सी एन शंकर राव वाली, उसके अंदर भी जो है ये ऑगस्ट कॉम्ट, ये मैं आपके इसमें डाल रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हायरार्की ऑफ साइंस में सोशियोलॉजी सबसे ऊपर रखी, और सबसे अब एक्चुअली वो तो क्या है कि वो मैंने जो है आप लोगों को ये बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है किसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी के बेस पर जो है अपन ने सोशियोलॉजी को जो है वो सबसे ऊपर रखा है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे का यहाँ पे वो मतलब नहीं है, डिपेंडेंसी के हिसाब से जो है सोशियोलॉजी सब सब दूसरे सब्जेक्ट्स के जितने भी थ्योरीज हैं उनको अपने अंदर समाहित करता है। तो उस सेंस के अंदर जो है मैंने सोशियोलॉजी को जो ये कॉम्ब का जो ये फिगर बताया हुआ है उसके हिसाब से सबसे ऊपर जो है रखा गया है। बाकी क्या है, सोशियोलॉजी तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग्स के हिसाब से जो एक बेस की तरह तो काम करता ही है, तो है ना वो अप्रोच की बात है कि हम उसको किस ढंग से लेते हैं। मेन चीज़ यही है कि अगर अगर अपन इसको डिस्कस करते हैं इस सेंस में कि